आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी पिज्जा की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पिज्जा बनाने के लिए हम सबसे पहले ईस्ट को एक्टिव करेंगे। तो किसी बर्तन में हम 1 कप पानी डालेंगे और पानी हम थोड़ा सा गर्म लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और 1 चम्मच भरकर मैंने ईस्ट लिए हैं, ये ड्राई ईस्ट है। और 1 चम्मच भरकर चीनी डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच से। और इसे ढककर 5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देते हैं एक्टिव होने के लिए। तो देखिए 5 मिनट में ये एक्टिव हो गए हैं। ईस्ट एक्टिव जब हो जाता है इसके ऊपर झाग आ जाता है व्हाइट सा। अब हम पिज्ज़ा के लिए डो बनाते हैं। तो मैंने इसी कप से 3 कप मैदा लिए हैं और आप इसके जगह आटा भी ले सकते हैं, आधा 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 करके मिलाकर भी ले सकते हैं आटा और मैदा। अब हम इस मैदा में डालते हैं 1/4 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1/4 चम्मच जिंजर पाउडर। यदि आपके पास गार्लिक जिंजर पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह पेस्ट भी ले सकते हैं गार्लिक जिंजर का। अब इसमें मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ, या अपने स्वाद अनुसार लेंगे। अब इसमें डालते हैं 2 चम्मच तेल, तेल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो अब सारे चीज़ों को हाथों से मिला लेते हैं एक बार। अब ईस्ट का पानी डालते हुए हम आटा को गूथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए गूथ लेते हैं। पहले ये सारे पानी डालकर गूथेंगे, यदि ज़रूरत पड़ी तो फिर ऐड करेंगे पानी। तो गूथ लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिए हैं। और ये डो अभी तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा सा हाथों में तेल लगाकर इसे 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से गूंथेंगे, तभी ये डो हमारा तैयार होगा। और ये डो नरम ही होता है, रोटी की तरह आप टाइट नहीं कीजिएगा। तो इसी तरह 7-8 मिनट इसे मसल लेते हैं। तो डो को करीब मैंने 7-8 मिनट मसल लिए हैं। अब हम डो के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें रेस्ट करने के लिए 1.5 से 2 घंटे छोड़ देंगे ताकि ये फूले। और ये डो अभी ही इतनी फ्लॉपी हो गए हैं गुते गुते कि आप इस तरह से उंगली से दबाए इसके ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर उठ के आ जाता है। तो आप इस तरह से गुथिएगा आटा। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं, इन्हें ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हैं और देखिए उतना ही मैंने आटा लिए थे और देखिए कितना फूल के भर के आ गया है। देखिए आप देख सकते हैं कितना फूला हुआ है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें एक बार सही कर लेते हैं। अब हम डो से लोई काट लेते हैं। तो इतने डो से मैं 3 पिज्जा बनाऊंगी, मीडियम साइज का पिज्जा 3 बनेंगे इनसे। तो देखिए मैंने सूखे मैदे थोड़ा सा प्लेट में रखे हैं लोई को डस्ट करने के लिए बेलते समय। तो अब इस तरह से गोल लोई बना लेते हैं। अब इस लोई को हम मैदा में डस्ट करेंगे दोनों तरफ। अब इन्हें बेलते हैं, बहुत मोटा भी नहीं बेलेंगे और बहुत पतला भी नहीं बेलेंगे, रोटी से थोड़ी सी मोटी। तो इस तरह से बेलिएगा पलट अलट के, तो इजी हो जाती है बेलने में। 1-2 बार अलट पलट कर बेलेंगे और फिर एक सर करेंगे चारों तरफ और साइड से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, बहुत पतला भी नहीं करेंगे। और जिस बर्तन में आप पिज्जा बनाएंगे उसी साइज से बनाइएगा ए बेस। तो अब हमारा पिज्जा बेस तैयार है, एक प्लेट में रख लेते हैं। और प्लेट को मैंने पहले से ही तेल लगाकर ग्रीस कर लिए हैं। और ये माइक्रोवेव का प्लेट है, इसमें भी मैं तेल लगाकर ग्रीस कर लिए हैं। और कोई ज़रूरी नहीं यही प्लेट चाहिए, क्योंकि आज हम पिज़्ज़ा कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं तो किसी भी प्लेट में बना सकते हैं। अब इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं इस प्लेट में। तो देखिए मैंने शिफ्ट कर लिए हैं। और पिज़्ज़ा बेस प्लेट में शिफ्ट करते समय शेप बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, हाथों से भी इन्हें शेप में ला सकते हैं प्लेट में। अब पिज़्ज़ा बेस में हम इस तरह से कांटे से छेद कर देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा बेस रोटी की तरह फूले ना। तो अब हम पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस यूज कर रही हूँ और इनका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर किए हुए हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो एक लेयर, पतली सी लेयर लगाएंगे सॉस का। तो इस तरह हल्के हाथों से थोड़ा किनारा छोड़कर पूरे पिज़्ज़ा बेस में इसे फैला लेंगे।
अब पिज्जा बेस में सॉस लगाकर तैयार कर लिए और टॉपिंग करने के लिए सब्जियां भी तैयार करके रखे हैं। थोड़ा सा प्याज स्लाइस में काट लिए हैं और ये रेड और येलो कैप्सिकम है, ये मैंने फ्रोजन लिए हैं। और टमाटर को भी थोड़ा स्लाइस में काट लिए हैं और ग्रीन कैप्सिकम भी, ये भी फ्रोजन है। और कटहल भी मैंने फ्रोजन ही लिए हैं, इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर किए हुए हैं। कटहल बहुत ही टेस्टी लगता है पिज्ज़ा टॉपिंग में, वैसे आप अपने मनपसंद टॉपिंग डाल सकते हैं पिज्ज़ा में। तो अब टॉपिंग कर लेते हैं पिज्ज़ा के ऊपर सब्जियों से। तो पिज्ज़ा बेस के ऊपर सब्जियां रख लिए और मैंने चीज भी घिस कर रखे हैं ग्रेटर से। और आप चाहे तो इस वक्त सब्जी के ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि डो में भी नमक डाले हैं और पिज्ज़ा सॉस में भी नमक होते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार से डाल सकते हैं। अब इस तरह से एक लेयर चीज़ का रख लेते हैं। आप चाहे तो चीज़ थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सभी को थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। और ये मोजरेला चीज़ नहीं है, आज मेरे पास नहीं थी तो मैं जो आज घर में थी वही डाली हूँ। तो अब चलिए पिज़्ज़ा को बैक करते हैं। तो कढ़ाही मैंने गैस पर चढ़ा रखे हैं पहले से और इसमें एक स्टैंड रख रखे हैं और इस स्टैंड को मैं बेकिंग के काम में ही लेती हूँ, इसीलिए इसका कलर ऐसा आ गया है। और आप चाहे तो कटोरी भी उल्टा करके रख सकते हैं। अब कढ़ाही को प्लेट से ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट हम गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं, अब इनके अंदर पिज़्ज़ा का प्लेट डालेंगे। तो ये बर्तन बहुत सावधानी से छुइएगा, इस वक्त बहुत ही गर्म होते हैं, हाथ जल सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगा देते हैं पिज़्ज़ा के किनारे में ताकि अच्छी से सिके ये पिज्जा बेस। तो अब ढक देते हैं इन्हें रखकर और 10 मिनट के बाद हम खोलकर देखेंगे कि पिज्जा की स्थिति कैसी है। और हाँ, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही हम पिज्जा बनाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं पिज्जा को एक बार। तो देखिए पिज्जा अभी पूरी तरह से नहीं सिका है और चीज भी मेल्ट नहीं हुआ है अच्छी तरह से। तो ढक देते हैं फिर से और 5-7 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। तो 7 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं पिज्जा को। तो ये देखिए पिज्जा हमारा तैयार हो चुका है, देखने से ही पता चल रहा है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उठाकर थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि नीचे से भी ये सिक चुका है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। तो अब पिज्जा को निकाल लेते हैं और चीज भी बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और मैंने चीज की मोटी लेयर लगाए थे इनके ऊपर, इसीलिए टॉपिंग अच्छी तरह से बीच से नहीं दिख रही है। अब इनके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च इस तरह से रख लेंगे, थोड़ी सी, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी ओरिगेनो, और थोड़ी सी कैप्सिकम कटी हुई छोटे छोटे टुकड़े में डाल देंगे इनके ऊपर, तो देखने में और भी अच्छे लगेंगे ये। तो अब दूसरा पिज्जा भी कढ़ाई में रख लेते हैं पकने के लिए। अब इनके ऊपर भी ब्रश से चारों किनारे से तेल लगा देंगे और पहले की ही तरह हम पकाएंगे पिज्जा। तो ढक देते हैं इन्हें भी। तो लीजिए हमारा दूसरे पिज्जा भी सिककर तैयार हो चुका है और इनके ऊपर मैं थोड़ी सी पतली लेयर लगाए थे चीज की। तो आप देख सकते हैं इसका टॉपिंग दिख रहा है चीज मेल्ट होने के बाद। और इसका बेस भी मैं बेलते समय थोड़ा मोटा ही रखे थे क्योंकि ये प्लेट छोटा था और लोई मैंने बराबर भाग में काटे थे, तो इसीलिए मैंने पहले वाले की कंपेरिजन में इसका थोड़ा सा मोटा रखे। और बहुत ही फूल गया है, फूलकर इतना मोटा हो गया है, परफेक्ट डो होता है तो बेस बहुत ही अच्छा बनता है। तो इनके ऊपर भी चिली फ्लेक्स और कुटी हुई काली मिर्च और ओरिगेनो डाल लेते हैं और चलिए सर्व करते हैं इन्हें। और देखिए हमारा पिज्ज़ा कितना सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए एक पिज़्ज़ा को मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा है और इसका बेस बहुत जालीदार है, बाहर के पिज्जा से कई गुना अच्छे पिज्जा बनते हैं इस तरह से बनाएंगे आप। तो इस तरह से बीच से हम काटेंगे और यहाँ पर कटहल का पीस है बड़ा सा, इसीलिए ये चीज सिमट रहा है। तो पहले पिज्जा को 4 भाग में काट लेते हैं और फिर उसके बाद 8 भाग करेंगे, अथवा 4 भाग में ही रखना हो तो रखेंगे। अब इसके बीच से भी काट लेते हैं ताकि आसानी हो खाने में। तो लीजिए हमारा पिज्जा 8 भागों में कटकर तैयार है।
इन्हें गर्मा गर्म टोमेटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पिज्ज़ा खाने में। इसका बेस देख सकते हैं आप, कितनी पतली मैंने बनाए थे पहले और फूलकर इतना मोटा हुआ है, तो बहुत ही जालीदार है और अंदर से भी इसी का है। इस तरह का पिज्ज़ा का बेस आपको बाजार में भी कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से सारे स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा आप बना पाएंगे। तो एक बार ये पिज़्ज़ा घर पर जरूर बनाकर फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।